टीचर सिम्युलेटर। तो भाई यार देखो, दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन होने के कारण वहां के जो स्कूल्स है वो करंटली बंद कर दिए। अब यार जब दिल्ली के स्कूल्स बंद हो चुके हैं तो यार ऑफ कोर्स यार वहां के बच्चों की क्या लाइफ है भाई, फुल मजा नहीं लाइफ। अब जब वो बच्चे घर पे बैठे हैं तो मेरा मन कर रहा है स्कूल के अंदर जाने का, बट स्टूडेंट बन के नहीं, टीचर बन के। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार, क्योंकि मैं आज तक मेरे 10 साल के स्कूल के एक्सपीरियंस के अंदर में एक भी बार टीचर नहीं बना और ना ही मैं मॉनिटर बना। ऑल राइट, सबसे पहले हमारे को ऑप्शन मिला चूज योर टीचर। अब जैसे कि मैं तो लड़का हूँ तो मैं मेल वाले टीचर को चूज करूंगा। यप कन्फर्म भाई, कितना खुश हो गया लौंडा टीचर बन के। देख रहे हो, ये होती है भाई फीलिंग, सुकून। तो भाई फर्स्ट जॉब हमारे को मिला आस्क द क्लास। सो लेट्स गो, पूछते हैं क्लास को, विच एनिमल इज पिंक। ओए अबे, ये कैसी फर्स्ट बेंच है भाई, इसको फर्स्ट बेंच किसने दिया? क्योंकि भाई जितना मेरे को स्कूल के बारे में नॉलेज है, जितना 10 साल में स्कूल के अंदर गया है, मेरे को जितना पता है भाई, फर्स्ट बेंच वालों को हर क्वेश्चन आता है। मतलब टीचर क्वेश्चन पूरा नहीं करते भाई, फर्स्ट बेंच वाले हाथ खड़ा कर देते हैं, मैम मेरे को आता है, मैम मेरे को आता है। भाई तू काय की फर्स्ट बेंचर है यार। एंड देखो अभी खैर वो सब बात की बात है, अब वो क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन है विच एनिमल इज पिंक। जितना मेरे को पता है लास्ट बेंचर जो होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से लास्ट बेंचर तो नहीं बट मैं मिडल बेंचर रहा हूँ, ठीक है। सो लास्ट बेंच वाले जितना मेरे को पता है एक नंबर के हरामी बच्चे होते हैं। सो ये लोग हाथ खड़े जरूर करते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ टीचर के मजे लेने के लिए। सो मैं लास्ट बेंच वाले को ही पूछेगा, विच एनिमल इज पिंक? काउ। आई मीन मेरे को ऐसा लग रहा है काउ पिंक कलर का हो सकता है, बट गेम मना कर रहा है। सो यस, पिंक कलर का काउ नहीं होता है। यप, गुड चॉइस। यस, किसको पूछे अभी? फर्स्ट बेंचर को मैं पूछने वाला हूँ, क्योंकि भाई पता है इसको सब आता है। तू बता बेटा तेरा क्या? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो कौन सा एनिमल होता है? ठीक है, बट गेम बोल रहा है हाँ कि फ्लेमिंगो पिंक कलर का होता है, तो होता है। ओके, इसको अपन ने करेक्ट दे दिया। सो यस, अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एलओएल स्टैंड फॉर? आई थिंक लाफ आउट लाउड। हाँ वही स्टैंड होता है। ये देखो भाई, अभी ये फर्स्ट बेंचर भाई, स्कूल ही घटिया है बोल रहा हूँ। बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टट्टी कर रखी है भाई। अभी इसको क्वेश्चन आ रहा है इस बंदे को, भाई क्या लेवल का फर्स्ट बेंचर ये। मैं फिर से लास्ट बेंच वाली को पूछने वाला हूँ कि भाई व्हाट डज एलओएल। ये देखो भाई, मैं एलओएल एकदम ऐसा छपरी वाला, लाइक एलओएल जो है वो ऐसा लॉन्डो का डायलॉग है, क्योंकि लास्ट बेंचर को पता रहता है। यस, आई एम प्राउड ऑफ दिस लास्ट बेंचर। परफेक्ट। सो क्लास अपना खत्म हो चुका है, परफेक्ट टू आंसर भाई, $134, वेरी नाइस। भाई यार ये भैंस की क्रिंज गाना। न्यू जॉब अपनी लग चुकी है, ये शायद से हमारी क्वेश्चन पेपर चेकिंग वाली जॉब है। तो ये कैट है, तो ये राइट है, ये हिप्पो है, ये जिस भी बंदे ने ये हिप्पो लिखा है ये वीडियो उसके पापा तक भेजी जाए। यस, सो इसको हम लोग रॉन्ग भेजेंगे, आई मीन रॉन्ग करेंगे। हाँ, एलिफेंट, वेरी गुड भाई। वो हिप्पो किस एंगल से हिप्पो लग रहा है? वो साले गेंड, तू हिप्पो है? वो हिप्पो नहीं है वो। कैबेज, हाँ भाई ये कैबेज है, नहीं ये जो है ये कैबेज है, और ये जो है ये कैरोट है, ठीक है, ये कैरोट है और ये कैबेज है। यस, सो हाँ ये नहीं भाई, इसको रॉन्ग देना है मेरे को, ये कैबेज है। ओके, कार सही है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये गलत है, क्योंकि जो बीन्स है वो पिज़्ज़ा के ऊपर है, इसका मतलब वो है कि नहीं है, क्योंकि जो ये तो ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये वाले। अरे भैंस की मार्क नहीं किया यार मैंने। अबे गेम पागल है साला, मैं मार्क ही नहीं किया, ये क्या बात हुई यार। चलो शीप बेटा, ये वीडियो इसके पापा तक भेजी जाए। कौन सा एंगल शीप है? नहीं, माइनक्राफ्ट में ये ऐसा शीप थोड़ी ना होता है, व्हाइट कलर का शीप होता है यार। फिश परफेक्ट है, आईफेल टावर। यार मेरा सवाल ये है, ये आईफेल टावर मेरे को लग रहा है लेकिन इतना छोटा होता नहीं है। सो मैं इसको दूंगा गलत, क्योंकि भाई आईफेल टावर इतना छोटा होता नहीं है, ठीक है। जितना मेरे को पता है आईफेल टावर भाई बुर्ज खलीफा से ऊंचा है। तो अभी हमारे को जो अपना हॉल है उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। तो सीधा सीधा जा रहे हैं भाई, कौन है ये भाई? ये शायद वही बंदा ना हिप्पो वाला, जहाँ तक ये वही बंदा है। ओके अच्छा, तो इसके चार्जेस अलग, इसने क्या क्या चीज़ें करी है स्कूल में, इसके हिसाब से हमारे को इसको पनिशमेंट देनी है। एक तो प्रिंसिपल के पास, या फिर उसको नॉर्मली छोड़ देना है। बस स्प्रे वाली कौन सी पनिशमेंट होती है यार, व्हाट द हेल, ये स्प्रे वाली कौन सी पनिशमेंट होती है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके चार्जेस देखते हैं। हैड अ फूड फाइट, खाने के लिए लड़ा है बंदा, ठीक है भाई, पेट के लिए हर कोई बंदा लड़ता है, मैं खुद भी कभी कभार लड़ जाता हूँ अपने माता पिता से। हाँ तो ये गलत नहीं, ये सही है। हाइड ब्लैक बोर्ड रबर, हाइड ब्लैक बोर्ड रबर, हाइड ब्लैक बोर्ड का कोई अलग सा रबर होता है क्या? ओ डस्टर, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये थोड़ी ना गुना होता है, इसको मजाक करना कहते भाई। लेफ्ट फोन इन लॉकर,
सही चीज। तो ये देखो मेरे हिसाब से इस पर कुछ भी गुनाह नहीं किया, तो इधर को भाई मैं जाने देगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तूने कोई भी गलती वलती की नहीं है। सो आगे चलते हम लोग। ये बंदे ने क्या देखते हैं, लेट्स सी, हैड नाइसली पॉलिश शूज, ठीक है, रिटर्न स्कूल इक्विपमेंट, ओके, वॉज काइंड टू न्यू पीपल, ओके। वैसे पीपल का स्पेलिंग गलत लिखा है, ठीक है, PEOPLE होता है। ये पुपिल है या क्या है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर ये पीपल है तो भाई जिस बंदे ने स्कूल बनाई है ना उसको एक बार स्कूल में एडमिशन लेने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट्स सी, वैसे तो ये जितने भी काम ही अच्छे हैं बट मेरे हिसाब से ये गुना है, ठीक है, क्योंकि जो काम अच्छे होते हैं वो स्कूल में कभी भी नहीं करने का, स्कूल के मजे लेने का। तो मैं, तू बेटे जा प्रिंसिपल पे, अगली बार से कांड करना तब मैं देखो छोड़ूंगा। स्टॉप द बुली, चम्मा इला क्या स्कूल है ये, सारा स्कूल वालों को पीपल का स्पेलिंग आ नहीं आ रहा, स्कूल में फाइटिंग हो रही है, बुली कर रहे हैं बच्चे को, क्या दिक्कत है ये। वैसे बुली करना अच्छी बात है, बंदे सीखते हैं वैसे, बट नहीं मैं उसको पनिशमेंट दूंगा क्योंकि ये स्प्रे है और ये स्टन है। सो मेरे को स्प्रे वाला पनिशमेंट देने का है, लेकिन इसके लिए ऐड देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक बार ऐड देख लेता हूँ, ठीक है। स्प्रे वाली पनिशमेंट का टाइम आ चुका है, देते हम लोग पनिशमेंट। भाई ये क्या पनिशमेंट है भाई, ये स्प्रे एक फायर एक्सटिंग्यूशर है, भैंस की क्या पनिशमेंट है भाई ये। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग को चीटर्स को ढूंढना है, फाइंड 3 चीटर्स। ओए भाई 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 भाई, क्या बेशरम बंदा है बे, सारा फर्स्ट बेंच पे बैठ के कॉपी कर रहे हैं। कौन है और कौन है बेटा, किधर कॉपी, निकल पहली फुर्सत में घर पे जाने का, गेट आउट भाई, किधर है, कौन कॉपी कर रहे है, कौन है किधर भाई, निकल, गेट आउट। एक मिनट चमाइला, ये स्कूल है मजा के, मतलब एक बच्चा बाजू वाले पेपर का पेपर छाप रहा है और वही बच्चा उसी बंदे का छाप रहा है जो 2 सेकंड पहले उसका छाप रहा था। भाई जब उस बंदे को कुछ आता नहीं है तब भी तो वो तेरा छाप रहा था, अबे साला क्या स्कूल है बे। सो ठीक है भाई, मेरे को पहले ही समझ में नहीं आ रहा है स्कूल के बच्चे को क्या दौरे वगैरह पढ़ रहे हैं भाई, अलग ही लेवल की स्कूल है। मतलब फर्स्ट बेंच वाले को आंसर नहीं देना, बच्चों को चीटिंग करना नहीं आता भाई, स्कूल है मजा की है। सो इससे ज़्यादा मैं स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, एंड मैं चाहता भी नहीं कि तुम लोग ऐसे स्कूल के अंदर रहो। आई होप मजा आ रहेगा तुम लोग को, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तुम लोगों ने कभी ऐसे हिसाब की स्कूल रियल लाइफ में, भैंस की मेरा माइक, हाँ तो मैं कह रहा था अगर तुम लोगों ने ऐसी स्कूल रियल लाइफ में किधर देखी है, मैं को अभी का अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ ताकि मैं उस स्कूल के अंदर जाके एडमिशन ले सकूँ। एंड यस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।